नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। अलसी के बीज सेक्स अनुराग एवं क्षमता बढ़ाने के अलावा मोटापा कम करने, कैंसर, ब्लड शुगर, बवासीर, झड़ते बालों में और टूटते नाखून में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे अलसी के बीजों का प्रयोग करने का तरीका और उसके आयुर्वेदिक एवं घरेलू फायदे। अलसी के बीज देखने में तिल के बीजों के समान होते हैं, पर ये आकार में तिल से थोड़े बड़े व रंग में थोड़े अलग होते हैं। आमतौर पर अलसी के बीज एक रसोई में केक या ब्रेड को बेक करते वक्त उस पर छिड़कने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, पर इन बीजों के अनगिनत ऐसे फायदे हैं जो इन्हें स्वस्थ व निरोगी रहने का एक बेहतर विकल्प बनाते हैं। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कई बीमारियों में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन की भी प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, जिसके होने से ये शरीर में मांसपेशियां बनाने में और शरीर का वजन कम करने में बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। कई शोधों में ये पता चला है कि अलसी के बीज का सेवन करने से स्तन के कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। 30 ग्राम अलसी को रोज मिक्सी में पीसकर और आटे में मिलाकर रोटी, पराठा आदि बनाकर हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप आटे का सेवन करें, यानी कि आटे की रोटी बनाएं, उसके साथ आप अलसी का पिसा हुआ आटा भी उसमें मिला लें। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप एक दिन में 30 ग्राम ही सेवन करें। सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अलसी आपके मोटापे को कम कर सकता है। अलसी के बीजों का सेवन करने से अधिक भूख नहीं लगती है, जिससे कि आप अधिक भोजन का सेवन नहीं करते हैं और आपका मोटापा इससे कम हो सकता है। अलसी को किसी कढ़ाई में डालकर चट चट की आवाज़ आने तक भून लीजिए और फिर मिक्सी में हल्का मोटा उसे पीस लीजिए। भोजन के बाद प्रतिदिन 30 ग्राम मात्रा में सेवन करें। इस बात का आप ध्यान रखें कि एक बार में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों की ही अलसी भूनें, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में आने के बाद जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 से 3 दिन के लिए ही भूंजें और इसका पिसाई करें। और सबसे गजब की बात यह है कि इसमें प्रोटीन की अधिकता होती है, जो कि हमारे शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं आने देती है। दूसरे गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अलसी के बीजों से आप शरीर को सुंदर बना सकते हैं। अलसी के बीजों में शरीर को सुंदर बनाने वाले आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं। 30 ग्राम अलसी का प्रतिदिन सेवन आप और आपके जीवन साथी की त्वचा को कोमल और आकर्षक बनाता है। इसके अलावा इसके सेवन से बाल टूटना और झड़ना बंद हो जाते हैं। ये आपके और आपके परिवार के नाखूनों को भी लंबा व चमकदार बना देते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आपके और आपके परिवार के लिए और उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ साबित हो सकता है। चौथे फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह पुरुषों में लिंग को लंबा व मोटा बनाने में कारगर उपाय माना जाता है। अलसी के बीज में अच्छी मात्रा में जिंक, सेलेनियम और कुछ अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो वीर्य की संख्या बढ़ाते हैं। इसके अलावा यह खून को अधिक समय तक लिंग में बनाए रखते हैं, जिससे कि लिंग की लंबाई और मोटाई दोनों में प्राकृतिक रूप से बढ़ोतरी होती है। पांचवे और गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि पुरुषों में सेक्स करने की क्षमता बढ़ा देता है अलसी। हर स्त्री संभोग करते समय सख्त लिंग की कामना करती है। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो धमनियों में प्लेग को कम जमा होने देता है, जिससे कि लिंग में खून अधिक मात्रा में पहुँचता है और आपका लिंग अधिक सख्त हो जाता है। इसके अलावा यह वीर्य का स्तंभन भी करता है, जिससे आपका वीर्य जल्दी नहीं निकलता और आप अधिक समय तक सेक्स का आनंद ले सकते हैं।
अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि स्त्रियों में सेक्स करने की इच्छा जगाता है अलसी। अलसी के बीज के सेवन से स्त्रियों में फेरोमोन नामक हार्मोन्स पैदा हो जाता है। यह हार्मोन आपके साथी में प्रेम और अनुराग की भावना को बढ़ा देता है। इससे आपके साथी का आपकी ओर आकर्षण बढ़ेगा, जिससे उसकी कामेक्षा चरम पर पहुंच जाएगी और उसकी काम अग्नि भड़क उठेगी। तो ये अलसी के बीज दोनों के लिए ही फायदेमंद होते हैं, इसीलिए इसका सेवन नित्य 30 ग्राम तो बनता ही है। अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंसर से लड़ता है अलसी। अलसी के नित्य सेवन से ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिग्नेन कैंसर और कोलोन कैंसर से पीड़ित लोगों का इलाज संभव हो सकता है, क्योंकि अलसी हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए अलसी बहुत ही बढ़िया फूड होता है। अलसी में लिग्नेन का गुण पाया जाता है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी के लिग्नेन को लेने से खून का शुगर लेवल बेहतर होता है। अलसी में मौजूद लिग्नेन जलन को कम करता है, जिससे व्यक्ति को पार्किंसन और अस्थमा की बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी एजेंट के बहाव को बंद कर देता है। इसका एक फायदा ये भी होता है कि ये हार्ट अटैक को और स्ट्रोक को भी रोकने में बहुत मदद करता है। तो आप अलसी के नित्य सेवन से हार्ट अटैक के खतरे को भी रोक सकते हैं। अगर किसी को हाइपरटेंशन की बीमारी है तो उससे भी ये बचाव कर सकता है। कई शोधों में ये पता चला है कि अलसी का सेवन करने वाले लोगों को हाइपरटेंशन की शिकायत नहीं होती है, साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। अलसी के सेवन से आप खुद को तनाव के क्षणों में भी शांत रख पाते हो, इसीलिए अलसी का सेवन रोज अपने खाने में करना ही चाहिए। अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हार्मोन्स को कंट्रोल करने में काम आता है अलसी। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन में होने वाले बदलावों को नियंत्रित रखता है, जिससे कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही रहती है और आपके शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति का संचार होता है। यानी कि आप अलसी के सेवन करने से पूरे दिन चुस्त व तंदुरुस्त रह सकते हैं और इसके साथ साथ आप मानसिक रोगों से भी बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। अलसी का नित्य सेवन आपको रेडिएशन से सुरक्षा दिलाता है। अलसी में मौजूद डाइट्री फाइबर त्वचा को रेडिएशन से होने वाले खतरों से बचा लेता है। इसमें कुछ ऐसे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो अलसी को इतना खास बना देते हैं कि ये त्वचा से सूखापन खत्म कर देता है और एनिग्मा नाम के रोग से भी ये त्वचा को बचा सकता है। अलसी में मौजूद प्लांट ओमेगा 3 हृदय में जलन को कम करता है, साथ ही हृदय गति को सामान्य कर देता है, जिससे मनुष्य का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सही तरह से काम करता रहता है। इसके अलावा इसके ये गुण वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं, उन्हें ब्लड वेसल आंतरिक परत तक पहुंचा देता है और शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। तो दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक छोटे से बीज का दाना आपकी बहुत मदद कर सकता है। रोज आप इसे रोटियों में या फिर पराठे में मिलाकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे इसका चूर्ण बनाकर इसे पानी के साथ भी पी सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी अलसी के बीज के बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक अवश्य दें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर जरूर करें। और यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।